बहुत ही स्पेशल दिन है आज, वाकई में बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज है मेरी छोटी ही चिंगड़ी का ईयर पियर्सिंग डे। ओ माय गॉड, सब लोग पूछ रहे थे ना उसका ईयर पियर्सिंग कब करेंगे, आज आज करूंगी। ओ माय गॉड, हा कर के आवाज दे दे के आ जा बुल्ली बुल्ली। ओ माय गॉड, हु केम टू मी वॉकिंग, पीनू आई लव यू पीना। देखिए पीनू इयर रिंग पहन के बैठी है। आई जस्ट होप कि जितना सीमलेस पीनू का ईयर पियर्सिंग था उतना ही सीमलेस चीनू का भी ईयर पियर्सिंग हो, बिल्कुल दर्द ना हो। बहुत कुछ हो रहा है, मैं अपना बालकनी सेट कर रही हूँ, तो ये लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैंने मंगवाया है फ्रॉम Amazon। दिस इज द एक विंडो, जो मैंने फोटो दिखा था वो ये है। बालकनी में मैं ये खिड़की लगा रही हूँ, एग्जैक्टली ये खिड़की है, तो वो जब एकदम लग जाए मैं तब दिखाती हूँ कि कैसा लुक आ रहा है, जो मैंने सोचा था वही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि याद है आपको मेरे पुराने घर का बालकनी, मुझे बहुत पसंद था मेरा बालकनी, और ये भी फ्लैट लेने का कारण है कि इसमें उससे भी बड़ा बालकनी है, लेकिन बालकनी अब तक देखा जाए तो 4-5 महीना हो गया इधर शिफ्ट हुए, बालकनी स्टोर रूम जैसा ही बना पड़ा था। पापा आ गए ना, पापा पापा हम यहाँ हैं। ओके बाय लियाना, स्पेंड सम टाइम विद पापा, मम्मा इज कमिंग जस्ट नाउ। गुरु मत पीनो, सी हाउ पापा इज टॉर्चरिंग मी, पापा को बोलो नो पापा। रुई का गोलिया, रुई का गोलिया, जाओ लेके जाओ, फेंक दो इसको। ऐसे परेशान करता रहता है गुरु, दिन भर पूरा कॉफी पी के खाली डब्बा मेरे हाथ में थमा रहा है। खैर, कमिंग टू आज का दिन, 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, वही माई सुनार वालों को ही मैंने बुलाया है। पिछले बार गूगल ढूंढ ढूंढ मैंने बहुत रिसर्च किया था, पहले तो पूरे लोखंडवाला मार्केट में जितने सुनार का दुकान है हर जगह जाके मैंने पूछा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला हम किसी को भेज देंगे, किसी ने बोला हाँ आप किसी भी दिन फोन करो हो जाएगा, किसी ने बोला लेकर आओ, किसी ने बोला गनशॉट करो। फिर मैंने मेरा रिसर्च चलाया गूगल में और मुझे पता चला माई सुनार वालों का, जो एकदम स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बच्चों का ईयर पियर्सिंग के लिए, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड ओनली इन बेबी ईयर पियर्सिंग। आज चिंगड़ी का वो दिन है, सो अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन मैंने अभी टॉप लैप लगा दिया। मेरा पिंकी बेबी रिलैक्स्ड है, उसको मैं लगाने जा रही हूँ कान में टॉप लैप, थोड़ा सा मैंने लगा दिया है। खाना है तुमको चोनी, कल से कान में इयररिंग हो जाएगा मेरे चोनी का। अरे आ ले ले, मम्मा को देख के रोना नहीं आता, थैंक गॉड। फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर, ये कपड़ा चेंज हो जाएगा, सामने बटन वाला कपड़ा आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। क्यूटी बेबी, डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी का ना इसे भी बचपन में कान छिदाई हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गॉड ब्लेस यू, तुमको भी कुछ नहीं होगा। टॉप लैप से ना उसका कान थोड़ा लाल लाल हो रहा है, एंड शी इज फीलिंग अनइजी अबाउट द होल थिंग। मैंने टॉप लैप मिटा दिया है, तो जैसे वो आएंगे मैंने सोचा कि भले ही वो आदमी 15 मिनट बैठे, मैं उसी टाइम पे थोड़ी देर टॉप लैप लगा के कर लूंगी। सोचते ही याद आया सारे टॉयज के बैटरी नहीं है, सब बैटरी चला गया, तो मैं क्विकली कुछ बैटरी ऑर्डर कर देती हूँ। बैटरी उसके सामने टॉय टू 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 करके घूमेगा ना, तो वही पीनू वाला है होल सिस्टम आई एम थिंकिंग। थोड़ी बैटरी मंगवा रही हूँ, साथ में कुछ और भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि कोकोनट मिल्क खत्म हो गया घर में, तो मैंने सोचा कोकोनट मिल्क भी खरीद लेती हूँ, 13 मिनट में आ जाएगा। तो जब तक बैटरी आ रहा है, जब तक गुरु लियाना को थोड़ी देर कंपनी दे रहा है, वाओ चलिए मिरर तो लग गया, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैठ के आप अब सेल्फी ले सकते हो, सेल्फी में पूरा आ जाएगा। ओ भैया ये भी लगाना है, ये लगा पाएंगे आप? बाबा नहा के आके बैठी, मैंने सोचा नहाते ही तुरंत स्किन केयर खुद करते करते मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगी, लेकिन
कभी ये, कभी वो, कभी कुछ कभी कुछ चीजों के कारण बस मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, लेकिन बस वैसे सब कुछ समेट लिया है, वापस आके बैठी और अभी मैं करूंगी स्किन केयर। फेस वॉश तो करके आई हूँ, बट आई थॉट आई विल गिव वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज आज स्किन केयर करते करते। बहुत लोगों को फेस में पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी पिंपल्स हम ट्रीट कर भी लेते हैं तो रह जाता है एक्ने मार्क्स। तो हम हमेशा थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम पिंपल का ट्रीटमेंट करें या मार्क्स का ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो पिंपल्स प्लस उसकी मार्क्स दोनों का ट्रीट साथ में करे, तो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे पिंपल्स साथ में चले जाते हैं और फिर सिर्फ मार्क्स ही रह जाता है, या फिर सिर्फ पिंपल्स ही पिंपल्स होता है, मार्क्स नहीं होता है। एक्ने और उसकी मार्क्स इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, कभी ये आता है तो वो जाता है तो वो आता है, दोनों कभी कभी साथ में आता जाता है। क्या बोली मैं, पर जो भी बोली सेंसिबली बोली, बिकॉज पीपल हु सफर फ्रॉम एक्ने पार्क दे अंडरस्टैंड। सो फॉर देम देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड नायसिनामाइड बाय डर्माकोट। सो इन्होंने लॉन्च किया है दिस ब्यूटीफुल फेस वॉश, दिस इज कॉल्ड द सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। इट हैज 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नायसिनामाइड। इसके बाद है द सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम विद 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नायसिनामाइड। The last but not the least is always the sunscreen, you know, whenever you use any active ingredients. तो सबसे पहली बात तो है आप फेस वॉश कर लीजिए, जो कि मैं करके आई हूँ, obviously नहा के शैम्पू वैम्पू करके फेस वॉश करके आई हूँ, and let me talk about how this product, this combination works and why it works. Salicylic acid is a BHA which directly counters acne. What a BHA does, beta hydroxy acid. So ये लगाने से skin का जो pores है वो क्लियर हो जाता है और धीरे धीरे एक्ने ठीक हो जाता है। नियासिनामाइड एक्चुअली स्लाइटली एक्सफोलिएट्स एंड क्लियर्स द स्किन, तो स्किन का जो भी डिस्कलरेशन होता है नियासिनामाइड। लेकिन दिस प्रोडक्ट्स आर स्पेशली फॉर पीपल हु हैव एक्टिव एक्ने एंड मार्क्स। फेस वॉश कर लिया उसके बाद आप थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ले लें अपने फिंगर में और लगा लीजिए अपने फेस पे, बहुत ही फास्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इज़ जस्ट अ सीरम। और एक चीज़ याद रखें, जब भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करें टॉप इट अप विथ अ सनस्क्रीन, बिकॉज यू डोंट वांट टू बर्न योर स्किन आफ्टर getting it treated. All products of the Dermaco are fragrance free, and every time you buy from them, Dermaco will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to educate 10,000 children every year. And with my code Divina2023, you will get an extra 20% discount and the products are available here. Mera skincare ho gaya, abhi main quickly baal banaungi. याद है लास्ट ईयर मैं कितनी खूबसूरत तरीके से इंडियन लुक में तैयार हुई थी, तो आज का भी ये जो ड्रेस है, पता है लॉकडाउन से पहले हम लोग गए थे गिर, जस्ट लॉकडाउन होने से पहले, दैट वाज ऑन 2020। उसके बाद ये ड्रेस मेरा काफ़ी मतलब फेवरेट था, लेकिन मुझे फिट ही नहीं हो रहा था। एंड थैंक्स टू ऑल योर कॉमेंट्स जो आप रोज हमेशा लिखते रहते, यू नो ये कपड़े आप पे सूट नहीं कर रहे हैं, आप मोटी हो। आप क्या मुझे डिस्करेज कर रहे हो? नहीं, हर एक चीज का एक यू नो अच्छी चीज ढूंढ लेना चाहिए। जबकि मुझे पता है कि मैं इसलिए वेट पुट ऑन नहीं किया कि मैं खुशी से सिर्फ खाई पी मौज मस्ती किया, आई हैड रीजंस टू पुट ऑन वेट, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा रूड थे आप लोग और रूड है, लेकिन आई एम लविंग द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। और जैसे मैंने कहा था मई के 22 तारीख से मेरा डाइट स्टार्ट हो गया है और वर्कआउट भी स्टार्ट हो गया है, सो I have lost weight, और ये जो सूट मुझे फिट ही नहीं हो रहा था अभी कितने प्यार से फिट हो रहा है और मैं कंफर्टेबली पहन के घूम रही हूँ। पहले ऐसा लग रहा था मैं फंस गई हूँ इस सूट को पहन के, जबकि इसका कोई चेन वेन नहीं है इधर उधर कि यू नो जैसे तैसे फिट होकर कैच करके मैंने चेन खींच दिया। आई एम लविंग इट। थोड़ा सा बाल कर लेती हूँ, स्लाइटली मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी सारी रील्स वील्स भी मैं बनाऊंगी, हाउ चिनुड़ी रिएक्ट्स दिस टाइम। आई एम रियली वेटिंग टू सी कि क्या हो रहा है, बट आज चीनू का मतलब ऑलरेडी थोड़ी सी वो क्रैंकी है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ी सो जाए, पर सो भी नहीं रही है, आपने देखा अपने पापा के साथ घूम रही है। आई जस्ट होप कि पेनलेसली उसका आज का ईयर पियर्सिंग हो जाए। आइए आइए, हेलो, फिर से आइए, बैठिए। वो क्या पहचान भी पा रही है? इनको पहचान लो,
नहीं पहचानना इसको। एक्चुअली हमारा भी एक्सपीरियंस जो था वो काफी अच्छा था। लियाना, हमें ये डर था कि लियाना बहुत रोएगी और वो बिल्कुल भी नहीं रोई। अभी दिविशा की बारी है तो बस दिविशा भी नहीं रोनी चाहिए, नहीं तो मेरे कने तलवार है। वैसे आपकी हीरोइन रेडी हो रही है, एकदम फुल एंट्री मारेगी। उसको मैंने सुबह एक्चुअली वो लगाया था टॉप लैप कान में, लेकिन उसको बहुत लाल हो गया, तो अभी थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए लगा दे क्विकली। पापा पापा पास जाना है, रुक क्विकली लो, मैं क्विकली उसको लगा के लाती हूँ। रेडी भी है, ला रही हूँ, आ जाइए। कहाँ है मेरी हीरोइन? हीरोइन, हाय माय हीरोइन, हाय माय हीरोइन, उठ के जाना है, माय हीरोइन इज रेडी। इसने एक नया चीज सीखा है, फुर फुर कर कर के थूक फेंकती है, देखो उठना चाह रही है। तो एक फोटो हो जाए मेरा और दिविशा का जस्ट बिफोर हर ईयर पियर्सिंग। ये जो बेबी है ना, इसको स्पेशल रोना आता है अगर मुझे दिविशा के साथ देख लेती है। मैं दिविशा के साथ थी ना कमरे के बाहर से, उसने देख लिया, देख के इतना जोर से रोना आ गया। लो पापा, अरे पता है क्या होने वाला है? पीकाबू, पापा के पास ये रोने लगेगी देवी। पीनू अचिनू, पीनू और चिनू की कहानी, मैं कहाँ जानी। पीनू चिनू, पापा लो चिनू पीनू। मैं फिर से लगा रही हूँ टॉप लैप, ठीक है काफी है। चलो हम अभी पीनू के साथ, चलो सब लोग मिलके पीनू के साथ खेल। कमी, ये लो लो, ये क्या बन रहा है? सर्कल ऑफ सेफ्टी मुझे इसीलिए पसंद है कि यहाँ पे सब कुछ स्टेरिलाइज्ड है, नहीं तो यहाँ पे दुकान में जाओ और कोई भी मिल जाता है, बोल देते हैं कि कान शिदाई का एक्सपर्ट होते हैं। मैं खोलूंगी। सेम ईयरिंग ना जो लियाना को पहनाया था, हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मैंने बस बोला उसको पियर्सिंग कराना है। एक्चुअली मुझे सही लगा कि यही सही है, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टड के लिए लगता भी है कि कुछ है कान में, और ये चीज़ इजी था क्योंकि गुरु का वो जो पेंच बनाने गए, मुझे थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आया। हाँ, मुझे तो मैं तैयार भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही जिम जा रहे थे। और ये है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, इसको भी मैं पूछूंगी लाइक लियाना, परमिशन लूंगी, लेट मी सी हाउ शी रिएक्ट्स। लियाना ऐसे छोटी थी हाँ तब। चिनो ये देखो, ये तुम्हारा ईयरिंग है, तुम्हें पसंद आया, ले ही लिया तुमने। ओहो, लेके तो खा ही लिया तुमने, तो तुम तो दीदी से भी एक कदम आगे चढ़ गए। खा मत लो बाबू, फिर लगाएंगे क्या हम? ये देखो तुम्हारा ईयरिंग, अच्छा लगा? ये भी अच्छा लगा, वाह कितना सुंदर। हाँ उन्होंने वो लेकर आए हैं, सो प्रिटी ना, प्रिटी प्रिटी ईयरिंग फॉर अ प्रिटी प्रिटी गर्ल। टॉप लैप भी रेडी है, हम भी रेडी है। हमारे लिए, पिनुड़ी चिनुड़ी के लिए। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, इट हैज अ लेटर। ओए माँ, तुमने तो धुड़ूम करके गिरा दिया चिनू। लेटर हम सब मिलके करें। अच्छा, डियर बेबी लिली, विथ योर एडिशन टू आवर फैमिली ऑफ चिल्ड्रन, वी लुक मोर ब्यूटीफुल नाउ फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, विश यू अ जॉयफुल लाइफ माई सोनार। जबकि माई सोनार के साथ मेरा हमारा रिलेशन उधर ही शुरू हुआ था ना, मैंने कैसे ढूंढ के निकाला था। एंड ये मेरे लिए लेटर है। वी हैव बीन गुड एट आर क्राफ्ट एंड सिंसियर टूवर्ड्स आर वर्क, हाउएवर आफ्टर यू चोज अस फॉर लिली, we are more popular and credible now. You have selflessly positioned my sonar to a larger audience. मैं पढ़ भी पाऊंगी। For a क्या है? Bootstrapped startup company. If we were to manage that magnitude of branding, we would have gone bankrupt. We thank you from the bottom of our heart. Wishing you success at work, happiness in life, and joy in parenting. Thank you so much. These kind of things actually touches my heart. There are लाइक अ प्लेथोरा ऑफ पीपल हु ट्रस्ट मी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ बेस्ट ढूंढूँ, और जब मुझे कोई चीज़ बेस्ट लगता है तो मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ। एंड इफ दैट हैज़ हेल्प्ड यू एज अ बाई प्रोडक्ट, वो भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। पागल हो जाएगी, हो गया इसका कान आँखों में चली जाएगी, तो देखो ना हाथ में इतना ताकत लगा रही है। शी इज सपोज टू बी मोर शांत,
लेकिन ये एकदम वो हो रही है गुरु। कैसे कर रही है वो? पता नहीं, आज लेटे लेटे करेगी, हो सकता है लेटे लेटे भी हो सकता है। क्या चाहिए? चूजी। मुंह साफ कर ले। शशांक जी बोल रहे हैं कि ये फ्रिल फ्रिल टाइप का है तो थोड़ा सा उसके कान में लग सकता है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है ये पड़िक पड़िक। वैसे तो ये मेरा फेवरेट है, पर गुरु बोल रहा है ब्राइट सा कुछ पहनाओ, तो हम देखते हैं अगर कुछ ब्राइट सा मिलता है तो। फूल सी लड़की के लिए फूल सा कपड़ा। हीरोइन दोबारा रेडी होके आ गई। मैं आ गई हूँ पापा, आई एम बैक पापा। ये जो कान सिदाई वाला चीज है ये तो पापा के गोदी में बैठ के ही होगा, मम्मा को डर लगता है। अगेन द रूल इज कि ईस्ट की तरफ फेस करके बैठते हैं, तो बड़ा गलती से मेरा कान में छेद मत कर देना, नहीं तो मेरे कने तलवार है। आप जब रेडी रहेंगे ना तो मैं कहूँगा 1 2 3 नाचो, तो सब लोग नाचने लगना, कुछ करने लगना, गुलाटी मारने लगना, कोई इसको नचाना। तुम्हारा घड़ी में बहुत ऐसे भी इंटरेस्टेड है, तुम उधर फोकस रखना, और एटलीस्ट जब ईयर पियर्सिंग होगा। चेहरा देख लिया उसको, दूसरा नया चेहरा देख लिया तो ये हैप्पी बर्थडे क्यों गाता है? थोड़ा जल्दी इसके सारे लेट इट गो सारा दुनिया सर एक साथ इसको दबा दिया जला। ये सच में एक्चुअली बजाओ वाला एकदम सीरियसली ले लिया। बजाओ, सारी दुनिया बज रही है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपने देख लिया तो काफी है। हाँ, हाँ सही है, सही है। हाँ सेंटर में ही है, ज्यादा नीचे की तरफ करने से कान लंबा हो जाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे होने वाला है, माहौल बहुत गर्म हो चुका है। चलो 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 रेडी। ये अच्छा नहीं लगा? ये देखो देखो, ये देखो देखो, आले मेरा बच्चा, आले मेरा बच्चा, उल्ला चोनू चोनू उल्ले बाबा, ये देखो ये देखो, झिंकी चिची की झिंकी चिची की झिंकी चिची की ना निकल रहा है, उसको दर्द हो रहा है। आ जा मेरा बच्चा, नहीं होना इधर ले ले, मेरा क्या जब बंद हो रहा है। नहीं नहीं उसको दो, इधर दो, इधर ला, इधर ला। नहीं नहीं बच्चा कौन सा अच्छा है बाबा, ये वाला। ये वाला इधर ही बैठ के कर सकते हैं, वो इधर सारा टॉयज देख। हाँ कर दीजिए ना, मैं इधर बैठूँ चलेगा? वो जान बुझ के कॉन्सेंट्रेट कर रही है सोनी। ये टॉय मम्मा मम्मा क्या करूं, नहीं नहीं अभी हो जाएगा, अभी देखो।
देखो ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई मैं सोना बटरफ्लाई 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 मैं सोना बटरफ्लाई बटरफ्लाई मैं सोना का बटरफ्लाई ओह माय गॉड चलो 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 हम लेट इट गो देखते हैं चल 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 हां नो 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 अरे मम्मी नहीं 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 लेट इट गो अम्मा चाहिए बंद करो उसको चलो देखो चिंकी पिंकी चिकलीलिपा विक्की पिंकी चिकपीना हिंका चिंका फुकुना नीना चिक्का पिक्का चिकनीना हिंकी चिंकी माय बेबीची चिकी पिकी चिकलीलची नानी मुझे बहुत दर्द हुआ मैं फेस रेड हो गया आज बाबा She's smarter than Liana. I realized. हाँ, वो ऐसे बैठी है देखो मतलब she's waiting it will come. Toys वो इसने नहीं देख रही toys उधर घूम रहा है she's मतलब wait कर रही आ रहा है कुछ मतलब I'm very intelligent. मैं सोना I'm तो very very intelligent. I'm very intelligent. We are done ना जाना. We are done ना जाना. हमें जितना लगता है शांत है समझ में नहीं आता है कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है वो बहुत ज्यादा उल्टा कंसंट्रेट करके बैठी थी कुछ हो रहा है मेरे साथ मतलब लियाना थोड़ी मेरी छोटी बूंदू सी है लेट इट गो मैं गुम हो गई थी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेट इट गो हो या बटरफ्लाई टेडी बियर फाइनली मैं थोड़ी जोन्ड आउट हो गई थी अब वो एकदम ठीक है वो सो गई है इट्स जस्ट दैट वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो मुझे नहीं पता था जैसे जैसे बच्चे बड़े होते आपको उसके बारे में पता चलता है तो मुझे ये पता चला कि वो दिखती है थोड़ी ऐसे लॉस लॉस अपने पापा की तरह पर बिल्कुल अवेयर है और कुछ ज्यादा ही उसको पता है कि ये है ऐसे टॉय देखते देखते एकदम से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आप देख सकते हो कि उसको पता है आ रहा है नीडल और फिर वो रोई बट ये तो करना ही था हमारा भी हुआ इनू का भी हुआ चीनू का भी हो गया फाइनली हो गया एंड आई जस्ट होप कि ये टिकेगा और दो दिन के बाद निकल नहीं आएगा पर नहीं होगा छोटे छोटे बच्चों के कान तो एकदम वो होता है तो अभी ठीक हो जाएगा थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप केयर करते हो जिस तरीके से आप बच्चे का के बारे में समझते हो और जिस तरीके से आपने हम दोनों बेटियों का हमारी बेटियों का ख्याल रखा थैंक यू वेरी मच आप लोगों को पता ही होगा पुराने जमाने में लड़का हो या लड़की दोनों ही कान छिदवाते थे और इसका बहुत ही यू नो साइंटिफिक रीज़न है बिकॉज जब कान छिदवाते हैं तो वहीं पे हमारा मतलब ब्रेन स्टिम्युलेशन का एक नस है जिसको हम मतलब अगर स्टिम्युलेट करेंगे ईयर पियर्सिंग के द्वारा तो हमारा जो ब्रेन स्टिम्युलेट है वो अच्छे से होता है विजन डेवलपमेंट और शार्पनेस ये सब कुछ बहुत अच्छे से होता है इसीलिए बोलते हैं कहीं ना कहीं जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं स्पेशली एक साल के अंदर जब बच्चे की सारी चीजें बहुत फास्ट ग्रो हो रहा होता है उसी टाइम पे ईयर पियर्सिंग कराना चाहिए यू नो ये सब मैं आपको आप लोगों को बोलने के साथ साथ मैं अपने आप को बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील हो रहा है ये सोच के कि दिविशा बहुत रो रही थी अब तो सो गई मैं ये सोच रही हूँ कि आई हैव डन इट फॉर हर गुड ओनली लड़कियों का क्योंकि लेफ्ट साइड बोलते हैं कि ज्यादा एक्टिव होता है देयर इज अ रूल दैट लड़कियों का जब ईयर पियर्सिंग करे तो पहले लेफ्ट करे फिर राइट बिकॉज बोलते हैं कि लड़कियों का लेफ्ट साइड स्ट्रांग होता है जैसे लड़कियों के लेफ्ट उंगली में अंगूठी पहनाते हैं एंड ऑल और लड़कों का जब ईयर पियर्सिंग करते हैं जो भी करते हैं आज ये प्रथा बहुत लोग अभी भी फॉलो करते हैं तो राइट से शुरू करते हैं पहला राइट फिर लेफ्ट सो ये सारी चीज़ें पढ़ के मुझे और सेटिस्फैक्शन मिली कि यू नो मैंने जस्ट पेन नहीं दिया देयर इज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस दैट ईयर पियर्सिंग इज नॉट ओनली फॉर ब्यूटी बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल हेल्थ अगर मैं हाल ही में कभी उसका इयर रिंग चेंज करूँ तो मैं आपको बुलाऊंगी इसको काट के दूसरा पहनाने के लिए या थैंक यू सो मच तो प्रथा के अनुसार देयर इज स्वीट्स एंड राइस जो सोनार को देते हैं तो हमने इनको बिठा के सब कुछ का बंदोबस्त किया बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट सो सीमलेसली येट अगेन थैंक यू बाय अब मैं जाके पानी पी रही हूँ थक गई मैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मैं ही थोड़ी देर आराम करूँ बहुत हो गया पक पक आज के लिए चलिए जाइए बाय टाटा सी यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब